घमासान.com में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवानी राठौर। आज मेरे साथ मौजूद है अनुसूचित जनजाति के लक्ष्मी नारायण वास्केले जी, जो कल बॉम्बे से सिंगापुर के लिए अपनी पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। आइए जानते हैं लक्ष्मी नारायण जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, आपको सरकार के स्कॉलरशिप के द्वारा विदेश में पढ़ाई करने का मौका मिला है, इससे आपको क्या महसूस हो रहा है? जी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मैं अपने एरिया से पहला लड़का हूँ और मेरे कॉलेज से भी मैं सेकंड स्टूडेंट हूँ जो फॉरेन फेलोशिप के थ्रू जा रहा हूँ एमपी गवर्नमेंट के द्वारा। मेरी अचीवमेंट मेरे लिए तो बहुत है, और जो मेरे मतलब जो जूनियर्स हैं जो मेरे एरिया के हैं, वो मुझसे मतलब ये लेंगे कि चलो कोई है जो बता सकता है कुछ इस योजनाओं के बारे में। फेलोशिप होती है एमपी गवर्नमेंट की, इसकी मतलब 50 सीट तक रहती है, और अभी हम सिर्फ इंडिया से दो एमपी से सिर्फ दो स्टूडेंट्स लेकर जो फॉरेन फेलोशिप के लिए जा रहे हैं, मतलब बाकी सीटें खाली रह गई है। तो अगर स्टूडेंट मतलब जो करना चाहें तो और भी वो कर सकते हैं। इसमें हमारा ये तो सिर्फ इंटरव्यू होता है, जो इंटरनेशनल लैंग्वेज में एक आईएलटीएस क्लियर करना होता है, वो क्लियर अब मतलब हटा दिया गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो अनुसूचित जनजाति के स्टूडेंट हैं वो थोड़े मतलब पढ़ाई में मतलब बैकवर्ड एरिया से होते हैं, नहीं हो पाता, तो उनके लिए आईएलटीएस हटा दिया। अब सिर्फ इंटरव्यू बेस पर फॉरेन में वो पढ़ाई अपना कम्प्लीट कर सकते हैं। मैं जानना चाहूंगी इस योजना के बारे में आपको कैसा पता चला, इसका प्रचार प्रसार कौन करता है? जी एक्चुअली मैं 2017 में मेरा बैचलर बीएससी एग्रीकल्चर कॉलेज से कंप्लीट हुआ, वहां पर मेरे मतलब एक सीनियर है नीरज राठौर सर, जो कि गौतम बुद्धा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष है, उनके गाइडेंस से ही मैंने ये सब कुछ यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। उन्हें ही मुझे बताया एमबीए के बारे में, मतलब एमएससी के बारे में कि तुम ये कर सकते हो। एक्चुअली मैं मेरा पास आउट हुआ उसके बाद मैं मतलब तैयारी में लग गया था नॉर्मल कंपटीशन में जो व्यापम की एग्जाम होती है, तो वहाँ से फिर मेरा मन उठ गया कि मुझे कुछ और करना डिफरेंट। मैं डिफरेंट हूँ कॉलेज में, स्पोर्ट्स सेफ्टी में भी मैं बहुत अच्छा था, पर मुझे सर मिले वो प्रचार प्रसार करते इस योजनाओं का, हर स्टूडेंट को बोलते कि ये करो, तो उनके गाइडेंस में यहाँ तक पहुँचा और मैं सिंगापुर एमएससी करने जा रहा हूँ। विदेश में पढ़ाई के बाद आपका क्या प्लान है, आगे आप क्या करना चाहते हैं? एक्चुअली मैं वहाँ से अपना ग्रेजुएशन मास्टर कंप्लीट करने के बाद रिटर्न यहाँ पे करना चाहता हूँ कुछ, कि जो इंटरनेशनल लेवल पे जो एग्रीकल्चर मार्केटिंग होती है एबीएम एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट वर्ल्ड लेवल पे कैसा होता उसके बारे में मैं सब कुछ करना चाहता हूँ यहाँ रिटर्न आके। अच्छा, आर्थिक जो सहायता सरकार के द्वारा आपको दी जा रही है उससे आप सहमत हैं? जी, मैं बहुत बहुत थैंकफुल कहता हूँ एमपी गवर्नमेंट को, क्योंकि मेरी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं कुछ इंडिया से भी जो इंस्टीट्यूट है अच्छे अच्छे आए मैं वहाँ पर कर सकता था, बट मेरे पास इतना पैसा नहीं, और मैं तो सारा सर की गाइडेंस भी किया हूँ और आर्थिक स्थिति मेरी ठीक नहीं है, तो एमपी गवर्नमेंट का बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। अभी तक आपने वैसे पढ़ाई में क्या किया, कैसे आगे आप करना चाहते हैं? जी, मेरा बैचलर कंप्लीट है बीएससी एग्रीकल्चर से, जो कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर इंदौर से है, उसके बाद मैं मास्टर एमएससी वहाँ करने जा रहा हूँ, वहाँ से रिटर्न आके मैं यहाँ पर अच्छी कंपनीज में जॉब देखना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।